ओके, अब हम करेंगे नंबर एंड मैथ्स पार्ट वन। आपको मैथ्स की बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 33। हम हेडिंग रीड कर लेते हैं, FEW फ्यू एन डी एंड MANY मेनी। हमें क्या करना है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट द नंबर इन द बॉक्सेस एंड राइट द करेक्ट वर्ड गिवन अबाउट द बॉक्सेस। हमें पहले देखना है, जो पिक्चर्स दे रखी इनको देखेंगे हम। ये है, इसमें देखो काउंट करो कितने कॉर्न है, 1 2 3 4 5। तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट ये कितने कॉर्न है, 1 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। हमने काउंट करके लिख लिया है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट था वो हमने यहाँ लिख दिया और जो यहाँ पर जो कॉर्न है वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये जो हमें दो वर्ड दे रखे हैं MANY मेनी FEW फ्यू, अब इसका मतलब ये होता है जो मेनी होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो फ्यू होते हैं वो मेनी से कम होते हैं। मीन्स हमारे पास, अगर आपके पास 4 टॉफी है और किसी और के पास 2 टॉफी है, तो जो 2 होगी वो 1 तो नहीं है, 1 से ज्यादा है, लेकिन वो मेनी भी नहीं है क्योंकि मेनी हमारे पास और उससे ज्यादा है, 4 है। तो 2 क्या होगा, फ्यू हो जाएगी, और मेनी क्या होगा, 4। इसी तरह से हमें कॉर्न दे रखे हैं, यहाँ पे 5 कॉर्न है और यहाँ पे 2 है। जो जो कम होगा उसको हम फ्यू लिखेंगे और जो ज्यादा होगा उसको हम मेनी पे सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत सारे हैं तो हम इसको यहाँ पे मेनी पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये इससे कम है तो हम इसको फ्यू इस तरह से सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हम काउंट करें, 1 2 3, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 3। नेक्स्ट हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 6। इस तरह से हमने 6 लिख दिया है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, देखो जो मेनी है बहुत सारे हैं उसको हम मेनी पे सर्कल करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत सारे, ये ज्यादा है ना, ये 3 से ज्यादा है। 6 नंबर बड़ा होता है 3 से, 3 से बड़ा होता है नंबर 6, तो ये ज्यादा है, तो ये मेनी है, और ये इससे कम है, तो ये इस पे क्या सर्कल करेंगे हम, फ्यू। फ्यू मतलब कम और मेनी मतलब बहुत सारे। ओके, इस तरह से हमको काउंट करके लिखना है और फिर सिलेक्ट करके सर्कल करना है। ओके।